हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज है 16 अक्टूबर। ये देखिए, यहाँ पे सितंबर लिख उठा है गलती से, इसके लिए इस पे मत जाइएगा, ये अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, स्टैटिक जीके के साथ भी करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें वर्ल्ड मैप को भी शामिल किया गया है। जो भी कंट्री आएंगी उनकी मैप में उनकी पोजीशन हम आपको जरूर बताएंगे, इससे आप लोग का जो मैप है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये मत सोचिएगा केवल आरओ पीसीएस और वगैरह एसएससी सभी एग्जामों के लिए, वनडे एग्जामों में जिनमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल गर्ल्स डे ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और थीम क्या थी, थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। थीम क्या है साथियों इसका, इसकी थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स आवर लीडरशिप और वेलबींग। वेलबींग इसकी थीम है, आप लोग इसे जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है, थीम भी जरूर पूछता है और डे तो इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ, और इसमें जो है बालिकाओं की, हमारे जो देश की बालिकाएं हैं, उन्हें उनके क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, भविष्य में उनका अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इन पर विशेष जोर दिया गया है कि इनकी पढ़ाई लिखाई स्किल्स सभी डेवलप किए जाएं, तो ये जिसके कारण ये आगे बढ़ सके और इसमें ये देश को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहे। और जो अक्टूबर के जितने भी डे पड़े हैं उन्हें हम एक नजर में देख लेते हैं। तो देखिए, 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस, ये दोनों 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रकृति दिवस। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। उसके बाद मनाया गया 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। ये आप लोगों को रखना नहीं, बस रिवाइज कर लेना है, ये अपने आप याद हो जाएंगे, बस आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। और 6 अक्टूबर को मनाया गया विश्व ब्रेल, मेरे ब्रेल पारसी दिवस। ये इंपॉर्टेंट नहीं होना तो इसे हम लोग कट कर देंगे। और 7 अक्टूबर को मनाया गया विश्व कपास दिवस, यानी वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, भारतीय वायुसेना दिवस, इंडियन एयरफोर्स डे। और 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस, वर्ल्ड पोस्टल डे। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज, देखिए पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया, तो ये कहां पर किया, किस देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो ये किया साथियों बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने। किसने, शेख हसीना, जुल्फो वाली शेख हसीना ने इन्होंने किया। और ये बांग्लादेश की सबसे बड़ी अब तक रेल परियोजना ये ब्रिज रही है, जो सबसे बड़ी थी। कितने किलोमीटर की है, 82 किलोमीटर की ये है, 82 किलोमीटर की, राइट। और ये जो है ये किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है देखिए चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसके तहत ये, जिसमें चाइना इसकी बांग्लादेश की मदद किया है ये पद्म ब्रिज रेल लिंक बनाने के लिए, जो कि 82 किलोमीटर की है। तो आप लोग इसको जरूर याद करिएगा, क्वेश्चन में आप तो देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ओके। और बांग्लादेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करते हैं जो भी चर्चा में रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11वां का संस्करण हुआ है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच होता है संप्रीति संयुक्त अभ्यास। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक
इसेंशियल वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। तो ये भी याद रखिएगा, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन भागों को अनुमति दी। और नेक्स्ट है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की। नेक्स्ट है, भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की, यानी बायलेटरल ट्रेड की शुरुआत की है भारत ने बांग्लादेश के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी। तो ये लेक लड़की योजना, ये किस राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी दी है, तो किसके द्वारा दिया गया है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लेक लड़की योजना को मंजूरी दी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें भी देख लीजिए। महाराष्ट्र सरकार नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये महाराष्ट्र करिए, ठीक है। और यहां से एक अलग पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया, ये किसने किया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है। ओके, महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित किया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित किया किसने, महाराष्ट्र ने। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट महाराष्ट्र इस पे शीर्ष रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। तो बताइए, ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किसने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया, रन चेज मतलब ये, इसमें ये है कि मतलब रन चेज करते हुए जीता है, तो किसने जीता, ये देखिए पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ ये 345 रन चेज किया था, 345 रनों को इसके बनाकर जीता था, इसने पाकिस्तान ने। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इधर देखिए पाकिस्तान से संबंधित क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लिया जाए। काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पाकिस्तान से बन सकते हैं। 29वें मुख्य न्यायाधीश कौन बना पाकिस्तान का, काजी फैज ईसा। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए न्यू वीजा पॉलिसी यानी नई वीजा नीति का अनावरण किया। और क्या है अगला, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा। ओके, नेक्स्ट है गीतिका श्रीवास्तव, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, गीतिका श्रीवास्तव ने पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी, कौन बनी, गीतिका श्रीवास्तव। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और देखिए अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, क्योंकि अभी चुनाव हुआ नहीं पाकिस्तान में, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री किससे बनाया गया है, अनवर उल हक कक्कड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। तो बताइए, भारत ने किस देश के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया, ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, यूएई, इजराइल, इटली, ब्रिटेन। तो कौन हो जाएगा, ये इटली, राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन इटली, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखते हैं इटली से, और हाँ इटली का मैप भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये देखिए पूरा यूरोप है, ये पूरा आप लोग को यूरोप दिखाई दे रहा है, यूरोप। ओके, और यहाँ पे इटली कहाँ है, इटली कहाँ है, देखिए ये रहा इटली, ये दिख रहा है, लाइनिंग मैप ड्रा कर रहे हैं, देखिए ये रहा इटली, ये रहा। ओके, और ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर साझा करता है, और यहाँ पर देखिए अलग किए हैं इटली को, ये देखिए मेडिटेरियन सी रहा, इधर ट्यूनिशिया है,
और इसकी राजधानी क्या है? रोम। रोम, ओके, रोम है इसकी राजधानी। और इसकी राजधानी में एक देश है, रोम में ही एक देश है जो कि लैंडलॉक है। क्या नाम है उसका? वेटिकन सिटी। ये देखिए, ये दिख रहा है ना, वेटिकन सिटी। ये इटली की राजधानी रोम में स्थित एक देश है, ये है वेटिकन सिटी, ओके। और ये देखिए इधर एडियाटिक सी है, इधर एडियाटिक सी, इधर टर्हेनियन सी और इधर आयोनियन सी। पूछ भी सकता है आप लोग को, क्योंकि चर्चा में रहते हैं जो देश वो छोटे छोटे। और देखिए स्टेट ऑफ, ये देखिए स्टेट है जो मेडिटेरियन सी, और इधर ये देखिए माल्टा कैनाल है। तो आप लोग मैप में अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैप डिस्कस कर लिए साथियों, ये इटली से देखिए, ये इधर फ्रांस है, फ्रांस ही रहा, इधर प्रॉपर विजुअल नहीं है, दूसरा मैप लाएंगे उसमें आप लोगों को दिखाएंगे। तो इटली से कुछ करंट का न्यूज था, उन्हें भी देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इस पे स्टार लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 15वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली में खोजी गई हैं। ये भी पूछ सकता है, आप लोगों को कुछ रटना नहीं, बस आप लोग बराबर रिवाइज करते रहिएगा। जैसे आज का करंट अफेयर आप लोग नोट कर लिया, तो नेक्स्ट करंट अफेयर नोट करने से पहले दो मिनट में आप लोग जो 10-12 क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसे जब वीकेंड हो, जैसे आज जैसे संडे के दिन हो, तो उस दिन आप पूरे हफ्ते का आप लोग उसे रिवाइज कर लीजिए। और अगर मंथ एंड हो तो उसके बाद पूरे महीने का रिवाइज कर लीजिए। ऐसे ऐसे करके आप लोग जो करंट में आता है, पता चलता है कि ये क्वेश्चन पढ़ते हैं इतना करंट अफेयर दो दो घंटे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, तो आप लोग को याद रहेगा, ओके। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिलियो बर्लुस्कोनी का निधन 86 वर्ष की उम्र में हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिल्वियो बर्लुस्कोनी ये किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ये हैं इटली के। और इटली के माउंट एटना, माउंट एटना जो है इस पर ज्वालामुखी है, तो ये इसमें विस्फोट हुआ है, भी चर्चा में पूछ सकता है आप लोगों को। नेक्स्ट है, इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य ग्लेशियर की खोज की। ये भी साइंटिफिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ बताइए, इटली की प्रधानमंत्री कौन है, पीएम वर्तमान में कौन है? और ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला होगा पिछले एग्जामों में, या देखने को मिल सकता है। तो कौन है साथियों? ये है जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी है ये। और ये फर्स्ट वुमेन पीएम है, फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कहाँ की? इटली की। तो आप लोग इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ओके। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? क्या खासियत है 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी? ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। क्या खासियत है इसमें? इसमें ये जीपीएस लगा होगा, जीपीएस सर्विलांस ये 1100 महिलाओं को दिया जाएगा। और 550 इसमें पुलिस स्टेशन शामिल किए गए हैं, जिनमें से चुना जाएगा 1100 महिला कांस्टेबल को। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राइट ऑप्शन क्या हो जाए? पी सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा पॉइंट उत्तर प्रदेश से संबंधित। ये पशु सौदा गृह लखनऊ में आज ये लखनऊ में खुलेगा, और 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया, यानी ऑथेंटिफिकेशन फ्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की। प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना शुरू किया। किसने किया? प्रयागराज पुलिस ने। पूछ लेगा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत किसने किया, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, प्रयागराज पुलिस ने
लखनऊ पुलिस, गाजियाबाद पुलिस कुछ भी दे सकता है। तो ये किया है प्रयागराज पुलिस ने। और हेमलेस प्ले ने उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अपना पहला स्टोर खोला। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों को जो पिछले करंट अफेयर्स हैं ये रिवाइज होते चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें पॉइंट वाइज ले आते हैं, जिसके कारण बराबर डेली का रिवाइज होता रहे, जिसमें जो चर्चा में रहेगा प्रदेश उसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत बढ़ा? तो बताइए, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो ये 21.8% बढ़ा। कितना था? 16% से 21.8 हो गया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ए हेल्प कार्यक्रम किसने शुरू किया, ए हेल्प प्रोग्राम? तो ये अभी हाल ही में झारखंड ने शुरू किया, झारखंड। और इसके पहले अप्रैल में जो है, अप्रैल में ये उत्तराखंड ने भी शुरू किया था। उत्तराखंड सेम, इनका उद्देश्य भी एक ही था। क्या उद्देश्य था? पशुओं के लिए पशुधन विकास में नई नई टेक्नोलॉजी लाना, जिसके कारण जो जीडीपी है इंडिया की उसमें भी ये पार्टिसिपेट कर सके, पशुधन विकास, डेयरी उत्पादन, इन सब चीजों में, जिसके कारण भारत आगे जा सके। तो ये झारखंड ने भी लाया था, वही उत्तराखंड ने भी लाया था ए हेल्प प्रोग्राम। देखते हैं झारखंड से संबंधित क्वेश्चंस। झारखंड में कर्मा पूजा त्योहार मनाया गया। अभी हाल ही में कर्मा पूजा त्योहार कहां मनाया गया? झारखंड में मनाया गया। और झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी। किसने दिया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये झारखंड ने दिया, झारखंड कैबिनेट ने। ओके, और झारखंड के मुख्यमंत्री ने, कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री बताइएगा सभी लोग? झारखंड के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की। अबुआ आवास योजना की घोषणा झारखंड के सीएम ने किया। और अडानी समूह ने गोड्डा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू हुआ झारखंड के गोड्डा में। किसने किया? अडानी ग्रुप ने किया। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट झारखंड में बनाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बताइए कौन है झारखंड के सीएम? झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? कहां पर किया गया? लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो। तो किसने किया साथियों? कहां पर किया गया? ये किया गया मुंबई में। कहां किया गया? ये मुंबई में किया गया। इसका आयोजन कहां पर हुआ? मुंबई। इसका आयोजन किया 2023 का। ओके, और इसमें क्या होगा? इसमें जो है, जो पौधे, सजावटी पौधे जो होते हैं, सजावटी पौधे जैसे हो गया बोनसाई, आप लोग पार्कों में गए होंगे तो आप लोग जो देखे होंगे, चाहे कितने भी छोटे पार्क में जाए, एक किनारों पे जो ऐसे छोटे छोटे ने कटिंग किया रहता है पेड़, वही सब होते हैं। जैसे बोनसाई हो गया, आर्किड पौधे, सजावटी फूल, हरी छतरी वाले, जो तमाम टाइप के आप लोग देखेंगे पेड़ लगे होंगे छोटे छोटे, और उनकी बराबर कटाई छटाई होती रहती है, जिसके कारण सौंदर्य पार्क का बना रहता है। ओके, तो ये किसने किया? ये मुंबई ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया? तो बताइए किस राज्य के उद्योग विभाग ने किया ये बेंगलुरु में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन? तो ये बिहार के उद्योग विभाग ने किया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा ना? बेंगलुरु में ये किया गया, इसके द्वारा, बिहार उद्योग विभाग द्वारा। मित्रों, हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, और बिहार से संबंधित हम आप लोग को इंपॉर्टेंट करंट डिस्कस करा रहे हैं। तो ये भी देखिए, पहला पॉइंट क्या है, बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में, जुडिशियल सर्विस में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण किया। और यहाँ पे केवल सर्विस में ही नहीं, लॉ कॉलेजेस में भी अप्लाई होगा 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए।
कॉलेज में भी होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा ये दोनों पॉइंट, न्यायिक सेवा यानी जुडिशियल सर्विस और लॉ कॉलेजेस में भी, ओके। और नेक्स्ट हमारा, बिहार सरकार ने जातिगत जो सर्वेक्षण किया है उसके आकलन जारी किए गए हैं, तो ये भी आप लोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और बिहार को दूसरा बाघ अभयारण्य, बिहार का दूसरा जो टाइगर रिजर्व है कैमूर जिले में बनाया जाएगा, ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, ये भी बिहार में ही है। जनधन का प्रधानमंत्री जनधन जो योजना है उसका लाभ लाभार्थी सबसे ज्यादा बिहार में है। तो मित्रों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कुछ कमेंट करिए, कुछ कमी हो तो उसे भी सुधार किया जाए, और क्या क्या आप लोग को और जानकारी चाहिए वो लोग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसके साथ सभी का धन्यवाद।